अस्सलामुअलैकुम गाइड्स, आज मैं तुरई की सब्ज़ी बनाने बताने जा रही हूँ। ये देखिए, लहसुन, हरी धनिया और मिर्ची। सिर्फ सिंपल मैं बताऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत है, गरम मसाला वगैरह मैं डाल के नहीं बताऊँगी। इस तरह से मैंने तुरई को खूब अच्छा काट लिया है, बारीक बारीक, ये देखिए। और काटने के बाद इसको मैं प्याज कतरी हूँ, प्याज को भी मैं बारीक बारीक काट ली हूँ। अब कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, अब इसके अंदर प्याज, कड़ी पत्ता और नमक साथ में डाल के भून लूँगी। एकदम सिंपल बनाइए और गर्मी में कम से कम गरम मसाला वगैरह खाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही परेशानी बढ़ रही है। अब देखिए, ये जो कटा हुआ मेरा तुरई है, इसको मैं प्याज, देखिए आधी लाल हो गई है बादामी कलर की, अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी तुरई को। ये देखिए, इस तरह से तुरई को डाल दूँगी और डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देंगे। जब ये पकने लग जाएगी तो बहुत अच्छे से गल जाएगी, और इसी को खूब अच्छा भून लेंगे ना तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा। और हम गरम मसाले का तो बहुत बना चुके, बहुत खा चुके, लेकिन गर्मी में इस तरह से बनाइए और अच्छे से मिर्चा और नमक वगैरह डालिएगा ना तो ये भी बहुत ही अच्छी यमी बनती है। ये देखिए, ये एकदम गल के ऐसी हो गई। अब इसका पानी जब सूख जाएगा ना तो बहुत ही लजीज हो जाएगी। अब मैंने लहसुन और मिर्चा जो शुरू में दिखाया था तो उसको मैं पीस के जार में रख ली हूँ, और इसको इसमें डाल दी हूँ। हरी धनिया, मिर्ची और लहसुन, सिर्फ तीन चीज़, अदरक भी नहीं, वो भी गर्म करता है। और इसको डाल के मैंने खूब अच्छा से देखे भून लिया है। जब इसका तेल छोड़ देना तो समझ लो ये रेडी हो गई है। इस तरह से चला चला के देखिए, इसमें पानी है ना तो पानी ना पूरा जल जाएगा। तो हमारा ये हमारी तुरई, इसको बहुत से लोग नेनुआ भी बोलते हैं, ये फिर रेडी हो जाएगा। अभी देखिए इसकी शक्ल कैसी है ना, ये और सूख रहा है। सूखने के बाद ये अब हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल ले जाए। इस तरह से आप एक बार बनाइए, बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और इसके अंदर हरी धनिया काट के अच्छी तरह से आप इसको डाल दीजिए, इससे इसकी खुशबू और ही अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, अब हमारा ये तरकारी रेडी।